किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी तेरा पिट सियापा, हाय हाय मोदी सरकार। क्या नाम होगा सर आपका? रणजीत सिंह पटियाला। पटियाला से आए? पटियाला गांव हमारा रोपड़ जिले में, वहाँ से आए। तो सर जी क्या कुछ कहना मानना है, 25 दिन हो गए अनशन चलते हुए, आंदोलन चलते हुए किसानों का? कोई दिक्कत नहीं, वो हमारा जोर देख रहा है, हम उसका सितम देख रहे हैं, तो जीतेगा तो सब्र ही। अंकल जी 25 से ऊपर जवान किसान शहीद हो चुके हैं टिकरी बॉर्डर पे, तो अभी तक कोई बयान नहीं है मोदी सरकार के, इसके ऊपर क्या मानना है? नहीं, मैं आपको बताया ना कि वो देख रहा है कि इनमें सब्र कितना है, हम देख रहे हैं उसमें सितम कितना है, लेकिन सब्र जीतेगा। आज नहीं तो कल उसको फैसला करना पड़ेगा, नहीं तो लोगों से जो टकराएगा उसका कुछ नहीं रहेगा। सर सरकार वाले जगह जगह लोगों को भेज के ये बता रहे हैं कि जो 3 कानून है ये किसानों के लिए अच्छे हैं। जो बता रहे हैं बंदे वो ना तो खुद किसान हैं, जो जिनको बता रहे हैं वो भी किसान नहीं है। अगर किसानों को बताने जाएंगे ना फिर वो वापस नहीं आएंगे, ना बताने वाले ना जो किसान है नकली वो आएंगे। क्योंकि सरकार ने भी जो मीटिंग हुई थी लास्ट, उसमें 50 कमियां माननी इस कानून में है जी। लास्ट जो मीटिंग हुई थी टिकरी बॉर्डर पे से जो किसान कमेटी के लोग गए थे, हाँ, उसमें 50 कमियां तो खुद सरकार मान चुकी है। नहीं देखो, किसान तो उसमें मान ही रही है कि कमियां ही कमियां है, तो बाकी क्या रह गया? अब एक अमरूद गला हुआ है उसमें से 5% हिस्सा बचा है, तो वो बोलेगा बंदा कि सारे को काट कर दो जो सही है खा लो, तो अमरूद ही फेंक दो, और अमरूद थोड़े हैं कि एक ही अमरूद में सारी उम्र निकाल देंगे उसको साफ करने में। 850 पॉइंट है इसमें, तो हमारे किसान जो नेता थे अगुवाई, उन्होंने सभी 850 एक एक पॉइंट करके गिनाया था, वहाँ पर सभी में कमी है। सरकार तो ये कहना चाहती है कि ये हमारा कानून बहुत अच्छा है, तो वो जनता के बीच में है ना, हमारे किसानों के बीच में आके सवाल जवाब करे। लगभग देखो तीनों काले कानून हैं, जब कोरोना काल था उस टाइम इन्होंने पास किए अध्यादेश, तो पहले तो हमारा ये सवाल है अध्यादेश आता कब है, ये समझना जरूरी है हमें, हमारे नौजवान भाइयों को साथियों को। अध्यादेश उस टाइम आता है जब आपातकाल की स्थिति हो, प्रधानमंत्री के पास पावर हो, अध्यादेश ला के कानून बनाया जाता है। अभी जैसे कल परसों टिकरी बॉर्डर के ऊपर कुछ पुलिस वाले विदाउट यूनिफॉर्म, हाँ जी, किसान आंदोलन में उतारे हुए थे, हाँ जी हाँ जी, जब उनको पकड़ा गया तो उन्होंने आपने जैसे बैच लगा रखा है, हाँ जी, ऐसे किसान यूनियन के बैच लगा रखे। हाँ सर, ये हमने वीडियो देखा, ये सरकार हमारे जो किसान भाई युवा साथी उनको भ्रमित करने के लिए कि ये पता ना लगे कौन से बैच गए, तो हमारे जो साथी थे होशियार उन्होंने उसको पकड़ा और उसके ये पूछा कि ये बैच कहाँ से मिला, उस पर उसने कुछ स्पीच नहीं दिया, हमें सरकार ने भेजा ये आपने देखा हुआ भारतीय किसान यूनियन का बैच लगा रखा था उसने, तो ये देश को देखो बांटना चाहते हैं। और हम एक बार से तो धन्यवाद देंगे मोदी जी को कि ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई था इसको एकत्रित कर दिया, ये एकता ही हमें जिताएगी। इसका धन्यवाद तो हम भी करते हैं, जो किसान पंजाब का हरियाणा का जो भाईचारा इसमें बन के उभरा है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए कल कुछ बीजेपी के विधायक वगैरह ने अनशन किया है, हाँ जी, और उसमें मांग की उन्होंने SYL के पानी की। हाँ सर, ये देखो फरीदाबाद में ये किया था अनशन उन्होंने, कल फरीदाबाद, हाँ पानीपत फरीदाबाद के पास में वहाँ किया था उसके सांसद थे, तो हमारे किसान भाइयों को वहाँ से उन्होंने खदेड़ दिया कि भी ये मुद्दा हमारा आपसे ही है, हम करेंगे। तो देखो पिछली योजना में बीजेपी दोनों स्टेट में बीजेपी थी, वहाँ भी बीजेपी थी, यहाँ भी, तो फिर आपने मुद्दा क्यों नहीं उठाया भाई? ये तो हमें भ्रमित करने के लिए उठा रहे हैं भाई, हरियाणा और पंजाब आप सिर में ये मतभेद हो जाएगा तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। सर जी आपसे मेरा लास्ट सवाल ये है, ये NH-8, हाँ सर, टोटली रूप से कब बंद हो जाएगा आपकी तरफ से? सर हम देखो हम बंद नहीं करेगा, हमने तो किसानों ने कहीं बंद नहीं किया, हमें दिल्ली जाने दे, ये तो खट्टर सरकार है, सरकार ने बंद कर रखा है, हम तो अभी निवेदन करना चाहते तो ये साइड वाला हम बंद कर सकते थे, हमें जनता को परेशानी में नहीं डालना है। हम देखो अन्न पैदा करके पूरे देश को, देखो 1977 तक हमारे पास अन्न नहीं था, उस टाइम अमेरिका ने 1971 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री को बोला था कि आप युद्ध बंद करो नहीं तो आप अन्न बंद कर देंगे, उन्होंने कहा आप अन्न हमारे जो किसान भाई है वो अन्न पैदा करेंगे, आज हमारे देश में इतना अन्न है कि सब भरपेट खाना खाते हैं, और मोदी जी इसी पर निवेश कर ये किसानों के जो मौत का फरमान जारी कर रहे हैं। सर जी लास्ट में क्या कहना चाहोगे मोदी सरकार को? मोदी सरकार को हम चेताना चाहते हैं किसान भाइयों और नौजवान भाइयों को कि आप जनता के बीच में आके हमें एक फायदा बता दे। मैं आपको बता देता हूँ पहला कानून जो इन्होंने लिया है भाई, 3 दिनों बाद पेमेंट देंगे, क्यों भाई? अगर किसान इतने चाहिए होते तो उसी दिन हमारा पेमेंट दिलवाते,
कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए 3 दिन का वक्त दिया, फिर हमें खेत जाने का टाइम नहीं है, हम उनके पीछे थोड़ी फिरेंगे। एचडीएम कौन होता है? हमारे खेत में कोई झगड़ा हो जाता है उसको सलटा नहीं पाता है, ये काम कौन सी कंपनी से पेमेंट दिला? ऐसे तो किसान आंदोलन में बहुत सारे इतिहास रचे गए हैं। हाँ जी, जो जीटी रोड है, हाँ जी, जो रोहतक बाईपास भादरगढ़, हाँ सर, उसके ऊपर डिवाइडर के ऊपर अनुगाना, इसके रोड के ऊपर अपने कच्चे तोलिए सुखा के जो बंद नहीं हुआ था कभी, उसके ऊपर इतिहास तो बहुत रचे हैं। हाँ, बहुत रचे हैं। यही यार यहाँ होने वाला है, नेशनल नंबर 8 पर है ना, नेशनल हाईवे 8 पर भी ये होने वाला है। अभी वहाँ आप पीछे जाके देखो, सभी ने यही हाल कर रखा है। अभी मैं पीछे से कवर कर रहा था, तो पीछे 10 ट्रैक्टर ट्रालियाँ और मिली थी मेरे को राजा राम ग्रुप से आते हुए। अच्छा, और वैसे अभी मैंने सुना कि 26 तारीख को हनुमान बेनीवाल 2 लाख के पब्लिक के साथ यहाँ रहे। जरूर आएगा सर, आ रहा है। अब कभी कल उनकी मीटिंग थी, उसमें उन्होंने बताया कि हम 26 तारीख को जाएंगे। पहले तो हम देखो, हमें शंका नहीं है, शंका इस बात की, कभी वो 20 तारीख बता रहा है, कभी 25 तारीख बता रहा है। अगर आना है तो आज ही आइए, हमें निवेदन करते हैं हनुमान बेनीवाल का आपके माध्यम से भी, आप 26 तारीख क्यों दे रहे हो? ये कोई फैसला थोड़ी है जो 26 तारीख दे रहे हो, आप 25 तारीख दे रहे हो। आना है तो आप इसी टाइम आइए सर। उनका ये मानना है कि उन्होंने टाइम दिया हुआ है मोदी सरकार को। मोदी सरकार नहीं मानेंगे सर, आप कब से लग रहे हो? आप 5 नवंबर से लगे हो, भाई 7 दिन का अल्टीमेटम है, ये आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप उसका पीछा छोड़ दो, आपका सम्मान करते हैं हम युवा साथी हैं, हमें आप में आशा है, आप जल्दी से आए। आपके माध्यम से हम अनुरोध करना चाहते हैं हनुमान जी बेनीवाल को भी, आप अपने साथियों को लेकर जल्दी यहाँ पहुँचे, जिससे कि हम दिल्ली पहुँच सकें। जय जवान जय किसान भाई जी। आप? हाँ जी सर। क्या नाम है? शमनेंद्र जी। कहाँ से हैं ब्रदर? हम बरनाला पंजाब। बरनाला पंजाब, हाँ जी सर। तो अभी आपका क्या कुछ मानना भाई सर, 25 दिन हो गए इस आंदोलन को चलते हुए? ये ऐसा है ना, मोदी की सरकार है क्या लोगों की सरकार है यहाँ पे? सरकार तो वैसे लोगों ने बनाई है। लोगों ने बनाई है, कौन सा मालूम है ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो? ऐसा है ना, अभी मोदी लोगों की नहीं सुन रहा, ठीक है ना, तो फिर आप बताओ किसान करें क्या करें? अभी रोडों पे ही आएंगे ना। 25 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, टिकरी बॉर्डर हम कवरेज कर रहे थे, डेली के एवरेज वहाँ पे कल 25 के करीब हुए थे, एवरेज पे आ रही है। तो अभी तक कोई बयान नहीं उसके ऊपर, बस वैसे ही गोदी मीडिया है ना, जो गोदी मीडिया बोल तो रहा है वैसे ही जा रहा है। मीडिया की तो अच्छी धुनाई हो रही है भाई साहब, टिकरी बॉर्डर पे 3-4 पकड़े गए हैं। आप जैसे भाइयों का जो हमारे साथ है, उसी की वजह से हमारे, आप बताओ, हमारी बात है सभी लोगों के बीच और बाहर भी स्टेटों में पता चल रही है, तो थोड़ी थोड़ी से सभी किसान इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसे चेतना अच्छा हो गया आप मोदी सरकार? हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और यहाँ पे, ठीक है ना, पूरे देश में ही है, तो हम शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी सरकार को हमने हमारी मांगनी चाहिए। मोदी सरकार का कहना है कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रखे हैं, जिनके गले में चैन है, ये किसान नहीं हो सकते। अरे किसान और कैसा होता है, भूखा मरे नहीं, सरकार तो हमें फटे पुराने कपड़े में देखना नहीं। मोदी जी आप चश्मे इतने महंगे लगाते हैं, गड़ियाँ, ठीक है ना, अभी उनके 2 हवाई जहाज आए हैं, वो कितने के हैं? 5,000 के तकरीबन, करोड़ के तकरीबन है, ठीक है, तो आप बताओ वो साधु है क्या है, ठीक है ना, आप बताओ अगर चाय वाले के पास इतनी संपत्ति, हाँ चाय वाले की इतनी पास संपत्ति कैसे आई, ठीक है ना, ये तो अनलॉजिक बातें हैं। अभी जो हमारे हरियाणा और पंजाब का जो भाईचारा बन के उभरा है इस आंदोलन, बिल्कुल बिल्कुल, उसको भटकाने के लिए कल कुछ पंजाब अपने बीजेपी के सांसद एमएलए ने 1 दिन का अनशन किया था, उन्होंने अभी मांग की है SYL वाले मुद्दे की। नहीं, SYL तो 60 जब से बनी का मुद्दा है, ठीक है, चल रहा है, तो जब सरकारें आती है जाती हैं, जहाँ लोगों का एक साथ जुट में होते हैं, तो तभी मुद्दा उठता है। वैसे पिछली बार भी बीजेपी सरकार ही थी, तब इन्होंने मुद्दा क्यों नहीं? आप ये देखिए वाजपेयी के तरफ पंजाब में भी SYL का जो मुद्दा है ना, वो आज का थोड़ी है, वो तो बहुत सालों से चल रहा है, अभी आज उस बात को उठाने का क्या फायदा? नहीं, हम आज 5 साल भी फार्म बिलों की बात हो रही है ना, तो इस पे ही खड़े रहे, बाद में जे आप हमें दे दो, आप रिपील कर लो फार्म बिल, बाद में हम SYL भी देख लेंगे। नहीं ब्रदर, सर आप एक बात बताएं, पिछली 5 साल में बीजेपी ही थी हरियाणा में और पंजाब में, तब उन्होंने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? वही तो बात है ना, अभी पहले 10 साल अकाली दल की रह के गई है, ठीक है, सेंटर में भाजपा की रही है, तब क्यों नहीं उठाया, ठीक है ना, ये सिर्फ लोगों को लड़वाने का है और कोई दिक्कत नहीं, वोटों की राजनीति, ठीक है, वोटों की राजनीति है लोगों में, आप बताओ कहाँ पे पानी का कोई है? अगर सरकार मत बीच में मत पड़े तो लोग अपने आप ही सुलझा लेंगे भाईचारे से, ठीक है ना, कोई पानी का इतना बड़ा मुद्दा नहीं, ये तो वोट बैंकिंग है, वोटों के टाइम भी ये मुद्दा उठता है। धन्यवाद, ठीक है सर, आपकी तरफ से बहुत धन्यवाद।